Question number 101. The characteristic of class reptiles are. Reptile जो class है उसके बारे में पूछा गया, उसके character बताओ. Body covered with moist skin. तो इसकी skin moist होती है reptiles की, dry होती है. Fresh water animal with bony endoskeleton. ये तो रेंगने वाले animal होते हैं, creeping, crawling mode of locomotion ना, जमीन पर पाए जाते हैं. Marine animals with cartilaginous endoskeleton आता. Body covered with dry and carnified skin. Scales over the body are epidermal. Absence of external ear opening. बिल्कुल ठीक बात. इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर epidermis पाया, scales, epidermal scales पाए जाते हैं. स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, कोई आयल लिग्लेन नहीं पाई जाती हो, ठीक. और एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग अपसेट होती है. तो ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि टिम्पैनम, क्या टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबिया. इनमें से एम्फीबिया के कौन सी बात सही नहीं लिखी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया. मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल, स्किन तो मॉइस्ट होती, कोई स्केल नहीं पाए थे रेप्टाइल जैसे स्केल पाए थे एपिडर्म. रेस्पिरेशन गिल्स लंग्स और स्किन के द्वारा हो सकता है, ये बात भी सही है. बक्कोफारिंजियल कैविटी के द्वारा भी हो सकता है. हार्ट इज थ्री चैम्बर, बिल्कुल सही, विथ वन ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल, ये बात गलत है. हार्ट थ्री चैम्बर होता है जहां पर दो एट्रिया पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल पाई जाती है. कुछ ऐसा होता होगा, दो एट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत, ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103. मैचिंग का सवाल है, ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होगा. तो ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होता है? लोकस्ट. ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होगा? लोकस्ट. तो ए में कौन सा हो गया? फोर वाला. ऐसे लिविंग बीइंग जो लाइट एमिट करने की क्षमता रखते हैं वो जो बोलते हैं फिनोमेना को बायोल्यूमिनेसेंस. फाइनल टीनोफोरा में ये पाया जाता है, और टीनोफोरा का एग्जांपल लिखा है टीनोक्लेना, तो डी में कौन सा हो गया? थर्ड हो गया. बुक लंग्स कहां पाए जाते हैं? बुक लंग्स, बुक गिल्स ना, ये पाए जाते हैं बिच्छू में, स्कॉर्पियन में, तो सी में हो गया सेकेंड. एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसा देखने को मिलता है स्टारफिश एस्टेलियास में. यहाँ पर एक हो गया, ये कौन सा था? चार था. तो चार, एक, दो, तीन, आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा. क्वेश्चन था 103. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पर. क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि इनमें से कौन सी बात फाइलम कार्डेटा के लिए सही लिखी है, आपको बताना है. ऐसा अपर्टेंस और स्टेटमेंट लिखा है, इन यूरोकार्डेटा, इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. यूरोकार्डम, पहली बात, जो नोटोकार्ड है पूरे जीवन नहीं पाई जाती, सिर्फ कहां पर पाई जाती है? लार्वल स्टेज में पाई जाती है. तो ये वाली बात क्या है भैया? गलत लिखी है, ठीक. नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन वर्टिब्रेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये बात बिल्कुल सही लिखी है. तो ए वाला गलत था, बी सही है. इन कार्डेट सीएनएस इज डॉर्सल, हालो एंड सिंगल, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है. हार्ट इज डॉर्सल इन कार्डेट, अरे हम लोग कार्डेट हैं, हमारे हार्ट डॉर्सल है कि वेंट्रल, यहाँ वेंट्रल पोजिशन पर है. तो ये वाली स्टेटमेंट क्या लिखी है? गलत लिखी है. तो 104 में क्या ए और डी गलत है, बी और सी सही है, तो आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पर. 105 क्वेश्चन क्या कह रहा, मैचिंग का सवाल है, और मैचिंग का सवाल तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हो. एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा चिड़ैया का नाम. एप्टिनोडाइट्स कौन है? पेंगुइन. तो एप्टिनोडाइट्स मैच करवाओ पेंगुइन, ए में कौन सा हो गया? फोर. मैक्रोपस किसको बोलते हैं? कंगारू को बोलते हैं, बी में हो गया सेकंड. क्लेरियास मगूर को कहते हैं, सी में हो गया थर्ड. टेरोफाइलम एंजल फिश को बोलते हैं, डी में हो गया फर्स्ट. चार दो तीन एक, चार दो तीन एक, चार दो तीन एक सही आंसर हो जाएगा. कौन सा?
थर्ड वाला 105 में कौन सा जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 106। ये तो बड़ा आसान सवाल सबने कर लिया होगा, आपको बताना है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये डायग्राम किसका बना हुआ है, ये डायग्राम किसका बना हुआ है, ये तो नर कार्ड है, ये क्या बनी है, नर कार्ड। ठीक, तो ए हो गया क्या, नर कार्ड। अच्छा जी, डी क्या है, पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल टेल। ये छेद बने हुए क्या है, गिल स्लिट्स है, क्या है, गिल स्लिट्स है। तो अच्छा जी, और क्या बचा, नोटोकार्ड। डी क्या है, नोटोकार्ड। अब मैच करवाते, ए नर्व कार्ड, बी नोटोकार्ड, ए नर्व कार्ड, बी नोटोकार्ड, सी गिल स्लिट, डी पोस्ट एनल टेल। 106 का सही आंसर हो जाए कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर। 107 नंबर सवाल क्या कह रहा, 107 नंबर सवाल कह रहा है, मैचिंग का सवाल है और इसको आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे, फिर भी चलो देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोम एक नया था आपको याद होगा, जहां स्पीशीज होती है, तो ए में क्या हो गया, थर्ड। एडीज टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, तो चिड़ैया है, इनमें बी में क्या हो जाएगा, फाइव। ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, पढ़ा होगा। तो ट्यूनिकेट्स किसमें आते हैं, यूरोकार्डेटा, सी में कौन सा हो गया, सेकंड। बेलेनोक्लासेस, साइकोक्लासेस ये आते हैं हेमिकार्डेटा में, डी में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ऑस्टिकथाइस मतलब मछली, पाइसेस, ई में क्या हो गया, फोर। और मैच करवाते, तीन पांच दो और एक चार, 107 का सही आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, थर्ड वाला, तीन पांच दो एक चार, सही आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 नंबर सवाल बड़ा ही आसान है, पढ़ लो भाई। सवाल ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी बात कैरेक्टर नहीं है, किसका, ऑस्टिकथाइस का। चलो पढ़ते हैं भाई, सबसे पहले लिखा है कि बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड माउथ इज मोस्टली टेबुलर। अच्छा, ऑस्टिकथाइस का मतलब क्या होता है, बोनी फेसेस के बारे में पूछ रहा, इसके बारे में, बोनी फेसेस। तो हम जानते हैं माउथ कैसा होता है, टर्मिनल होता है। गिल्स, जो गिल्स हैं, चार जोड़ी गिल्स होते हैं, वो ढके होते हैं किसके द्वारा, ऑपरकुलम के द्वारा। तो ये वाली बात भी सही है और बी वाली बात भी सही। स्किन कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड प्लेकॉइड स्केल, तो हमको पता है कि यहाँ पर साइक्लॉइड और प्लेकॉइड स्केल से ढके होते हैं, ये बात क्या है, गलत। प्लेकॉइड स्केल नहीं होते, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल, साइक्लॉइड या टीनॉइड होते हैं, प्लेकॉइड नहीं होते, ये बात क्या हुई, गलत। मोस्टली विविपेरस, ज्यादातर इनमें से बच्चे यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, ये बात भी गलत है। कैसे होते हैं, ओविपेरस, कैसे होते हैं, ओविपेरस। तो यहाँ पर देखो थर्ड और फोर्थ गलत लिखा है और बाकी क्या लिखे भैया, सही लिखे है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 108 का सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। तो बोनी फेसेस में आपको याद रखना है, बॉडी सीधी स्ट्रीम लाइन, माउथ मोस्ट कैसा होता है, टर्मिनल, गिल स्लिट कवर होते हैं अपर कोलम के द्वारा, स्किन में साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं और मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यहाँ भी पेरस दिखा है इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट आर इनकरेक्ट, या तो सही है या तो गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको सारी बातें यहाँ आनी चाहिए कि कौन सी बात सही लिखी है और कौन सी गलत लिखी है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन, बिल्कुल ठीक लिखी है ये बात। दूसरा, सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, ये बात भी ठीक लिखी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ एम्फीबिया में डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मतलब ये बात गलत हो गई। तो हमने बताया अब तक पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत। कैन लीड ड्यूअल लाइफ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, इसलिए एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फी का मतलब बोथ होता है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, ये बात भी ठीक लिखी है। तो हमारे हिसाब से खाली तीसरी वाली बात गलत है,
बाकी सारी बातें सही लिखी हैं। 109 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही से मैच नहीं कर रही। हाइला को हम ट्री फ्रॉग कहते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा था। हाइला को हम क्या बोलते हैं? ट्री फ्रॉग, बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा जी, कैमिलियन को ट्री लिजर्ड कहते हैं, ये बात भी सही लिखी है। बेटा को फाइटिंग फिश कहते हैं, ये बात भी सही लिखी। गार्डन लिजर्ड हेमिडेक्टाइलस को नहीं कहा जाता, आपने पढ़ा होगा किसको बोलते हैं? कैलोर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैलोर्स को बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। आंसर यही हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 111 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स जनरल कैरेक्टर। साइक्लोस्टोमेटा, लेगजा एंड पेयर फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद प्लेक्वाइड स्केल। अरे प्लेक्वाइड स्केल साइक्लोस्टोमेटा में कहां पर पाए जाते हैं? भाई ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी है। ये वाली बात क्या है? बिल्कुल गलत लिखी है पहला वाला स्टेटमेंट और इनकरेक्ट पूछा था। चलो बाकी पढ़ लेते। ऑस्टिसाइट्स मतलब बोनीफेसेस, फोर पेयर गिल्स होते हैं, अपर कॉलम की तरह कवर्ड होते हैं और साइक्लॉइड स्केल पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। ये वाली बात बिल्कुल क्या है? सही है। रेप्टाइल टिम्पैक्स एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, कौन रिप्रेजेंट करता है? हमने बताया था टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगा। ये बात सही है। एबिस एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज कार्ड न्यूमेटिक बोन। ये बात भी सही। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। ये बात क्या थी? इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्रोकोडाइल, यहाँ पर सवाल है कौन सी बात सही है, कौन सी पेयर सही है, इस पर पूछा गया। क्रोकोडाइल में चार चैम्बर हड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही लिखा। सी अर्चिन में पैरापोडिया नहीं पाए जाते। सी अर्चिन का नाम क्या होता है? इकाइनस। और कहां पर पहुंच गए? इकाइनोडर्मेटा पहुंच गए। ये पैरापोडिया तो एनेलिडर्म पढ़ा था, ये वाली बात गलत लिखी। हिप्पोकैम्पस पायोकिलोथर्म होते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं मछलियां। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवार्म, और एनसाइक्लोस्टोमा हुकवार्म कहां पर आपने सुना था? स्केलेमथी में सुना था। कहां सुना था? मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। बोलो भैया, तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बात क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट पहला भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। पहला तीसरा चौथा कह दिया 112 में, चौथा आंसर सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही लिखा। तो हमने क्या बताया? क्रोकोडाइल में चार चैम्बर हार्ट होते हैं, बिल्कुल सही। सी अर्चिन पैरा इकाइनस कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा पैरापोडिया एनाटॉमी में लेडीज में पढ़ा था। एनसाइक्लोस्टोमा को हम हुकवार्म कहते हैं। हिप्पोकैम्पस मछलियों में आता है, और मछलियां कैसी होती हैं? कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये बात भी आपने सुन रखी थी बहुत पहले से ही। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 113 पर चलते हैं। सवाल ये है कि द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर इज, सबसे यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर बताओ। तो आप एक ही ऑप्शन छाटना, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड दिया है फोर्थ ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन ये कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स कैरेक्टर एंड इट्स क्लास या फाइलम आर करेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, चलो नीचे से पढ़ते हैं। ऑरेलिया फाइलम सिलेंडिटा, बिल्कुल ठीक। निडोब्लास्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? भाई यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल। कैसा होता है? टिश्यू लेवल। तो यही बात क्या हो गई? यही बात क्या हो गई भैया? गलत हो गई। आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ते। टेरोपस स्किन पोस्टिस हेयर ओविपेरस मैमेरियम। भाई टेरोपस के बारे में हम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स। क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, पहले ही बता चुके थे। ठीक, ओविपेरस नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? वीविपेरस होते हैं। ये वाली बात भी क्या हो गई? गलत। अगला सेलामेंडर टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग अब्सेंट होती, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को,
पर डायसन इंटरनल होगा और क्लास एम्फीबिया है, बिल्कुल सही बात। ठीक, एस्कैरिस फाइलम लिखा है, एनिरिडम और कुछ पढ़ना ही नहीं, एस्कैल वन थे इसका मेंबर। ठीक, तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड वाला, बाकी सारी बातें क्या लिखी हैं, गलत लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 पर एसर्शन लिखा है कि मेंबर ऑफ कॉन्डिक्टाइज मतलब बोनीफेसेस स्विम लगातार कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए इनके मेंबर लगातार तैरते रहते हैं, ये बात लिखी है। अगली बात लिखी है कि इन मेंबर ऑफ कॉन्डिक्टाइज एयर ब्लैडर प्रेजेंट, अरे एयर ब्लैडर अगर प्रेजेंट होते तो बेचारे डूबते ही क्यों, तो तैरना ही लगातार क्यों पड़ता, एसर्शन सही है मेरे हिसाब से और रीजन यहाँ पर क्या है, गलत। एसर्शन सही है और रीजन गलत है, आंसर कौन सा, थर्ड वाला। ठीक, तो एयर ब्लैडर इनमें नहीं पाए जाते, प्रेजेंट लिखा है, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, अब्सेंट होना चाहिए था। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं, एसर्शन रीजन का ये सवाल था, नेक्स्ट ये भी एसर्शन रीजन है। लिखा है कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, बिल्कुल ठीक लिखा है। इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, व्हाइल इन सेफेलोकार्डेट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, यहां लाइफ लिखा है, लाइफ नहीं होना चाहिए यहां पर, क्या होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए। ठीक, तो इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट वनली इन लार्वल टेल, सेफेलोकार्ड पूरे जीवन पाई जाती है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, एसर्शन रीजन बहुत आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आंसर हो जाना चाहिए इसका कौन सा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 पर स्टेटमेंट लिखा है कि हेवी कार्डेट्स हैव अ रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कार्ड स्टोमोकार्ड, और स्टोमोकार्ड वैसी जैसे हम लोग कार्डेट में नोटोकार्ड है, बिल्कुल ठीक लिखा। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन फाइलम सेफेलोकार्डेट नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो आपको याद रखना चाहिए, पहली बात ये याद होना चाहिए कि जो सेफेलोकार्डेटा है ये फाइलम नहीं है, सेफेलोकार्डेटा फाइलम नहीं है, यहीं से गलत हो गया, ये क्या है, सब फाइलम। तो स्टेटमेंट पहला सही लिखा है और दूसरा क्या है, गलत। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर होना चाहिए कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पर, 118 नंबर क्या सवाल है, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, इनको पढ़ो और बताओ कितनी बातें सही लिखी, कितनी बातें यहां पर सही नहीं लिखी, इनकरेक्ट है। पहला चलो पढ़ते हैं भाई, पहला लिखा है कि सैलामेंडर कैलोर्स एंड इक्थियोफिश आर मेंबर ऑफ रेप्टाइल, अरे इक्थियोफिश को हम बोलते हैं, इक्थियोफिश को हम क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया, क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत। पहली वाली बात क्या है, गलत। चलो दूसरे पर चलते हैं, दूसरे पर पढ़ते हैं भाई, रेप्टाइल्स के बारे में, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एंड टिम्पानम रिप्रेजेंट ईयर, ये बात भी सही लिखी। स्नैक्स एंड लिजर्ड आर सेड देयर स्किन स्केल्स एंड स्किन कॉस्ट, ये वाली बात भी सही लिखी। हार्ट इज यूजली 3 चैंबर बट क्रोकोडाइल 4 चैंबर, ये स्टेटमेंट भी सही लिखा है। नाजा बेंगेरस एंड वाइपर, अरे नॉन पॉइजनस स्नेक नहीं, भयानक पॉइजनस होते हैं भैया, कैसे होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं, ये वाली बात क्या है, गलत। तो पहला और छठवा गलत लिखा है, पहला और सिक्स गलत है, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला, बाकी सारे सही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड मैमल, बर्ड और मैमल में कौन सा कैरेक्टर ऐसा जो कॉमन नहीं है, ऐसा पूछा गया। तो भैया हम जानते हैं चिड़िया ओवीपेरस और मैमल वीवीपेरस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला,
बाकी वार्म ब्लडेड ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन ब्रीथिंग लंग के द्वारा सब में दोनों में कॉमन होता है, लेकिन विवीपरस मैमल विवीपरस और बर्ड ओविपरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पर। 120 नंबर सवाल यह पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सी बात क्लास मैमेलिया के लिए सही है, मैच कर रहे हैं, वे बैट कंगारू रैट प्लेटिपस, ये सब बताते हैं मैमल्स हैं। अच्छा पेंगुइन क्या है, यहां पर पेंगुइन क्या है बताओ, अरे चिड़िया का नाम सुना होगा भैया, अरे बोलो भैया। अच्छा यहां पर कौन नहीं दिख रहा है, ऑस्ट्रिच का नाम शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा, हेमिलेटानस पेंगुइन यहां पर भी दे दिया आटा, वेल बैट कंगारू रैट प्लेटिपस सारे क्या है मैमल, आंसर हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पर। लैम्प्री या टेरोमाइजान एंड माइक्सिन हैगफिश आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्विमिंग टू फ्रेश वाटर आफ्टर दैट डाइज विद इन फ्यू डेज दे बिलोंग टू, आपने नाम सुना होगा साइक्लोस्टोमेटा का, साइक्लोस्टोमेटा किसके अंतर्गत आते हैं, इग्नेथा जालिस, वहां पर क्या है जो लैम्प्री या माइक्सिन है ये रहते तो कहां पर है मैराइन हैबिटेट, लेकिन अंडे देने के लिए कहां जाते हैं फ्रेश वाटर में, और ऐसी मछलियों को हम क्या बोलते हैं एनाड्रामस, क्या बोलते हैं एनाड्रामस टाइप का बोलते हैं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 पर। सवाल बड़ा आसान सा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सजेस्ट फॉर चैम्बर हर्ट फेदर एंड न्यूमेटिक बोन इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ करना है नहीं बस ये देखो कौन सा चिड़िया दी है, पावो क्या बोलते हैं पिकॉक बोलते हैं, अरे पावो क्या बोलते हैं पिकॉक का नाम सुना ही होगा, बोलो भैया ये फ्लाइंग फिश तो मछली हटाओ। अच्छा जी आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि बताओ फ्लाइंग फिश का दूसरा नाम क्या होगा, तो फ्लाइंग फिश को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश को हम बोलते हैं याद रखना एक्जोसीटस, क्या बोलते हैं एक्जोसीटस, एलिगेटर को तो एलिगेटर ही कहते हैं। अच्छा एलिगेटर किसके अंतर्गत आते हैं ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ये किसमें आते हैं याद रखना रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, और प्रिस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं साफिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं साफिस, खैर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। 123 सवाल है कि कौन सी बात जाल स्पीशीज के लिए सही है, तो बताया था मैक्रेल अच्छा रोहू दिया, लैम्प्रेल और हैगफिश दिया, लैम्प्रे मगूर हैगफिश और बेटा, तो लैम्प्रे और हैगफिश इसका आंसर हो जाएगा, कुछ पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। 124 सवाल क्या कह रहा, ऐसा सब लिखा है कि मस्टर्ड दतूरा एंड चिली एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक बात लिखी, वेयर अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल ठीक, कहते हैं कि फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटो सेंटर से चाकू पास हो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए इस प्रकार की सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है, जिसके एग्जाम्पल मस्टर्ड दतूरा चिली है, तो एसर्शन भी सही लिखा है रीजन भी सही लिखा है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा, मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नॉट करेक्ट आएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा चौथा वाला। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 पर लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि इन मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट, फिर कहीं द हाइपोबैरिस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, बिल्कुल ठीक लिखा, ये थैलमस, ये क्या है थैलमस, सोच के देखो अरे ऐसे बना दिया, क्या है ये थैलमस, यहां पर जो गाइनोसियम है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर है और बाकी फ्लोरल पेड है, चाहे एंथर हो पेटल हो कैलिक कोरोला हो या फिर कैलिक्स ही क्यों ना हो ये सब इसके नीचे है, ये कंडीशन क्या कहलाती है ओवरी सुपीरियर है, और सुपीरियर होने के एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए मस्टर्ड चरल और ब्रिंजल दोनों बातें सही, एक्सप्लेनेशन भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा कौन सा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 पर।
सवाल ये है कि when a flower which can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, तो इस कंडीशन में इस प्रकार की सिमेट्री कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। 126 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 सवाल पहचानने का है और आप पहचान तो अच्छे से लेते ही हो। पहले तो ये बता दो कि प्रेजेंटेशन कौन कौन से दिए हैं। जो ए वाला है वो किसका है, एक्साइल। यहाँ पर प्लेसेंटा एक्जियल होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है, एक्जियल होता है। और खास बात ओवरी कैसी, मल्टी लॉबुलर, कई चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। जो बी वाला डायग्राम है यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसा है, पैराइटल। कैसा भैया, पैराइटल, पेरिफेरी पर लगे। यहाँ पर यूजली वन चैम्बर ओवरी, लेकिन बट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। और ये कौन सा है, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल लिखा है। इसका एग्जांपल लिखा है फ्री सेंट्रल का। अच्छा जी, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री सेंट्रल के एग्जांपल बताओ, डायंथस और प्राइमरोज। एग्जाइल का एग्जांपल बताओ, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। खैर पहचानने का सवाल था, तो ए एग्जाइल हो जाएगा, बी पैराइटल, सी फ्री सेंट्रल। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। इनमें से कौन है ऐसे जहां पर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहां होती है, आप बताओ। पी, गुलमोहर, बीन और केसिया, यहां सिमेट्री कैसी होती है, जाइगोमॉर्फिक। बताओ कितने जाइगोमॉर्फिक के यहां पर, चार हैं। आंसर कौन हो गया, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 पर। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट कैप कहते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है। अ फ्यू मीटर, अरे कुछ मीटर नहीं, क्या होना चाहिए, कुछ मिलीमीटर होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा गलत है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। यहां पर भी आपको पहचानना है कौन सा एस्टिमेशन दिया हुआ है। तो पहला एस्टिमेशन किसका है, ये वाला, जहां मार्जिन एक दूसरे से लगभग टच कर रही, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ये एस्टिमेशन किसका लिखा है भैया, वॉल वेट का। ये किसका लिखा है, वॉल वेट का लिखा है। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही, निश्चित ऑर्डर में हो रही, ये किसका है, ट्विस्टेड है। ठीक, ये बताओ कौन सा है, ओवरलैपिंग हो रही, कोई निश्चित ऑर्डर नहीं है, कम्प्लीकेट। पोस्टीरियर वाला सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, दो बगल में विंग्स, एंटीरियर साइड पर की जा करीना, ये कौन सा है, वैक्सिलरी एस्टिमेशन हो जाए। ठीक, और देखते हैं वॉल वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 पर। मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। मोनो एक बंडल में, तो मोनो एडल्फस एग्जाम्पल बताओ, चाइना रोज। एक बंडल में स्टामेन तो चाइना रोज, दो बंडल में तो डाई एडल्फस एग्जाम्पल पी, और दो से ज्यादा बंडल हो गए तो पॉली एडल्फस एग्जाम्पल सिट्रस। बताओ मैचिंग का सवाल था। ए में क्या हो गया, थर्ड, बी में सेकेंड और सी में फर्स्ट। 3, 2, 1, सही आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन 132 क्या कह रहा, इंफीरियर ओरी इज कॉमनली फाउंड इन। इंफीरियर ओरी कहां पर पाई जाती है, तो आप याद करो, ग्वावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटा, सनफ्लावर, कोई है, हाँ कुकुम्बर। आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 पर। मैचिंग का सवाल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। फूड का एग्जाम्पल आलू लिखा है, स्पाइसेस का एग्जाम्पल मिर्ची है, चिली है, मेडिसिन के तौर पर अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, 1, 2, 3, 4, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 पर। एमम चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, सनफ्लावर, ग्वावा, कुकुम्बर, रोज, प्लम, हाउ मेनी प्लांट्स हैव
सुपीरियर ओवरी। तो हम जानते हैं जो चाइना रोज है, मस्टर्ड है और ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल, यहाँ ओवरी कैसी? सुपीरियर। अच्छा जी, प्लम में, रोज में कैसी होती है? हाफ इंपीरियर। सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोइड ऑफ सनफ्लावर होना चाहिए, खाई सनफ्लावर लिखा है, यहाँ ओवरी कैसी है? इंफीरियर। तो सिर्फ तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर ओवरी कैसी है, जहां ओवरी कैसी है सुपीरियर पूछा गया, सुपीरियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 पर। आपको यहां पर बताना है एबीसीडी के बारे में, सबसे बाहर की कवरिंग क्या कहलाएगी, ए बी का अर्थ कहलाएगी, इसको बताना है। बीच वाली आम में खाई जाती है, क्या बोलते हैं? बीजो कार बोलते हैं। ठीक, सी क्या है? सीड है, इसको नहीं खाते हैं। और डी क्या है? एंडोकार्प है। हवाई मैच करवाते हैं, एपिकार्प, निजोकार्प, सी, एंडोकार्प, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं, 136 सवाल है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज आइडेंटिफाइड बाय। साइमोस में क्या होता है? मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन बेसिपेटल मैनर, मतलब यंगेस्ट फ्लावर टूवर्ड्स किधर है? बेस की तरफ। तो पहली और दूसरी दोनों बातें सही लिखी है। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपेटल मैनर, द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस एज मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ठीक, 136 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, देयर इज स्कार ऑन द सीड कोट वेयर स्टॉक वाज अटैच्ड, और जहां पर स्टॉक जुड़ा होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, और वो प्रेजेंट करता है किसको? ठीक, तो याद रखना जहां पर सीड कोट जुड़ा होता है स्टॉक से उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और वो रिप्रेजेंट करता है किसको? माइक्रोपाइल। इसको करता है माइक्रोपाइल, तो हाइलम एबो माइक्रोपाइल। ठीक, आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं, द वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सीड सेव कॉटिलेडन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको टेलम बोलते हैं, या एपिब्लास्ट या कोलियोटाइड या कोलियोराइड। देखो रूट की कवरिंग को कोलियोराइड, रूट एपेक्स की कवरिंग को, और सूट एपेक्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? कोलियोटाइड बोलते हैं। यहां पर आपसे कॉटिलेडन के बारे में पूछा गया, सीड सेव कॉटिलेडन जैसा कि मोनोकॉटिलेडन होता है, और उस सीड सेव कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं? स्कुटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कुटेलम। कौन सा आंसर सही जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, आइडेंटिफाई द ऑर्डर वेयर प्लांट्स सो अल्टरनेट अपोजिट एंड वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड पाया जाता है एलस्टोडिया में, अपोजिट कैलोड्रोपिस, और अल्टरनेट चाइना रोज, मस्टर्ड। बोलो भैया, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए पहला वाला। ठीक, 139 का पहला। अल्टरनेट का एग्जाम्पल चाइना रोज, अल्टरनेट का एग्जाम्पल चाइना रोज, अपोजिट का एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस, और वर्ल्ड का एग्जाम्पल एलेस्टोनिया लिखा हुआ। 139 के बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पर। 140 सवाल क्या कह रहा? 140 सवाल कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांच इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी तीन प्रकार की, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट को क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। हेट्रोफिली, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में स्ट्रक्चर में अंतर आ जाना, ये क्या कहलाता है? हेट्रोफिली कहलाता है। ठीक, वर्नेशन कुछ नहीं, छोड़ो। तो फाइलोटैक्सी इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 141 पर। पूछा है कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ऐसा पूछा गया। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी एस्टिमेशन नहीं कहते भैया, प्लेसेंटेशन कहा जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन, सही लिखा है। सिनकार्पस मस्टर्ड और टोमेटो, एपोकार्पस लोटस और रोज, आंसर कौन सा जाएगा इसका? पांच पूछा है, आंसर हो गया कौन सा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 पर। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस कंडीशन आप याद करो, प्लम, रोज और पीच में बताया था, प्लम, रोज और पीच में कंडीशन कैसी होगी? पेरीगाइनस होगी। तो यहाँ आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा, रोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 पर। 143 क्या है?
मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस कंडीशन किसके लिए बताई गई? स्टार्विन के लिए बताई जाती है, एंड्रोजन लिखा है, आंसर कौन हो जाएगा? फोर। एक बंडल में स्टार्विन तो मोनो, दो में तो डाई और बहुत सारे तो पॉलीएडेल्फस। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। ये भी एस्टिमेशन का ही सवाल है और पूछा किसके लिए गया है? फिगर शो एस्टिमेशन ऑफ कॉटन, कॉटन में कौन सा एस्टिमेशन पाया जाएगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखो भैया, जो पहला डायग्राम बनाया है वॉल वेट का है, दूसरा ट्विस्टेड का है, तीसरा इम्ब्रिकेट का है और चौथा वेक्सलरी का। वॉल वेट एस्टिमेशन का एग्जांपल कैरोट्रोपिस होगा, वेक्सलरी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहां पर पाया जाता है, पी में पाया जाता है। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, और यही तो ट्विस्टेड वाला बना है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सलरी। बोलो भैया, वॉल्वेट का कैरोट्रोपिस, ट्विस्टेड का चाइना रोज, टोमेटो, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 पर। अब मैचिंग का सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। एपोकार्पस का एग्जाम्पल लोटस भी होगा और रोज भी होगा, लोटस और रोज। सिंकार्पस मस्टर्ड और टोमेटो, मैच करा लो। ए में 1 और 3, बी में 2 और 4, आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है आपको बताना है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्रिक फ्लावर या बाइलेटरल सिमेट्री, इसका मतलब होता है एक ही प्लेन ऐसा है जहां से काटने पर फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक ही प्लेन ऐसा है जहां से काटने पर फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, कहीं और से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक लिखी है। इसका एग्जांपल टी गुलमोहर बिलकेसिया। एसिमेट्रिकल इरेगुलर का नाम पाया जाता है। इंफीरियर ओरी, मटर में इंफीरियर ओरी नहीं पाई जाती। गुआवा, कुकुम्बर, रेड ऑफ सनफ्लावर, एनसीआरटी जो एग्जाम्पल लिखे वो होनी चाहिए। पी में तो सुपीरियर ओरी होती है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? थर्ड। तो क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। सुपीरियर ओरी हाइपोगैनस फ्लावर, मस्टर्ड, चैनल और ब्रिंजल, बिल्कुल ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, इन कैलोट्रोपिस सेपल्स और पेटल्स इनवर जस्ट टच वन अदर, कुछ ऐसी कंडीशन होती है सेपल या पेटल के किनारे एक दूसरे को लगभग क्या कर रहे हैं? टच, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बिल्कुल सही बात लिखी है। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिजेस ओवरलैप द अदर, नेक्स्ट गलत लिखा है। मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप, ये बात भी गलत लिखी है। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेशन, इनमें से एस्टिमेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं लिखी है, ऐसा आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि चाइना रोज, केसिया, लेडी फिंगर और कॉटन। तो हम जानते हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, इन तीनों में एस्टिमेशन एक जैसा होता है। कैसा एस्टिमेशन होता है? यहाँ पर एस्टिमेशन कैसा होता है? ट्विस्टेड टाइप का। कैसा होता है? ट्विस्टेड। लेकिन केसिया और गुलमोहर में पूछा जाए तो क्या बताओगे? केसिया और गुलमोहर में क्या बताओगे? इम्ब्रिकेट। क्या बताओगे? इम्ब्रिकेट बताओगे। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, चूज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर ऑफ कन्ना, कन्ना के बारे में कौन सी बात सही लिखी है? कन्ना में सिमेट्री कैसी होती है? कोई प्लेन ऐसा नहीं है जहां से काटने पर फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके। इरेगुलर या एसिमेट्रिकल होते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर। यहां लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक, गलत। इरेगुलर बाइलेटरल, गलत। इरेगुलर रेडियल, ये वाली बात भी गलत। क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। 150 सवाल है, द ओर इज हाफ इनफीरियर, हाफ इनफीरियर ओरी कहां होगी? प्लम, रोज और पीच, आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। क्या जब बताए, हमने कहा कि प्लम में और रोज पीच इन तीनों में कैसी हो रही है? हाफ इनफीरियर। गुआवा और कुकुम्बर में कैसी है? गुआवा और कुकुम्बर में कैसी है? यहां पर हो रही है इनफीरियर। कैसी हो रही होती है? इनफीरियर। कॉटन में कैसी हो रही होती है? कॉटन में सुपीरियर हो रही होती है, आंसर हो गया पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। फाइलम कार्डेट्स आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक, नर्व कार्ड विद हॉलो एंड सॉलिड। नर्व कार्ड कैसी लिखी? हॉलो एंड सॉलिड।
तो सॉलिड नर्व घाट नहीं होती, इसलिए गलत हो गया। अगला पढ़ते हैं, वेंट्रल हालो नर्व घाट, वेंट्रल नहीं होती, कैसी होती है? डॉर्सल कंडीशन पाई जाती है, इसलिए ये वाली बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। सेकंड, डॉर्सल सॉलिड नहीं होती बल्कि कैसी होती है? हालो। ये वाली बात भी क्या है? गलत। अनपेयर्ड फ्रेंजर गिल स्लिट, गिल स्लिट अनपेयर्ड नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, कैसा पाया जाता भैया? कार्डिटा में क्लोज टाइप का पाया जाता है, नोटो कार्ड पाई जाती है। ये सारी बातें गलत है, सिर्फ सही कौन सी बात है? एफ वाली। आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। 152 स्टेटमेंट का सवाल है, कुछ कहा गया कि फाइलम कार्डेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लासेस। सब क्लास नहीं होगा, क्या होगा? सब फाइलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा और क्या होना? वर्टिब्रेटा। ये स्टेटमेंट गलत। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, सही लिखा। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, आंसर जाएगा 152 का सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 पर। 153 से सवाल क्या कह रहा है कि इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड परसिस्ट ओनली इन टेल। चलो ठीक लिखा है वाली बात। इस क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन करवाया गया है, आपको करवा दिया गया होगा पेपर में। जैसे यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर लिखवा दिया गया होगा कि इन सिफेलोकार्डेट नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल टू लार्वल टेल ओनली। ठीक, सिर्फ लार्वा की टेल तक लिखा है। इन सिफेलोकार्डेट नोटोकार्ड टेल लाइफ यहाँ हटवा दिया गया होगा और ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन शायद चेंज किया गया होगा। सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, पहला यहाँ हटा देना और इसको करेक्ट जनरेट इनकरेक्ट कर दिया गया होगा। तो अब देखते हैं, इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। चलो सही लिखा। सिफेलोकार्डेट में जो नोटोकार्ड है हेड से टेल रीजन तक पाई जाती है, ठीक, और सब में पूरे जीवन पाई जाती है। यहाँ सिर्फ लार्वा की बात कर रहे हैं, गलत है। इंसेफेलोकार्ड नोटोकार्ड पर्सिस्ट वाली लार्वल टेल, ये वाली बात भी क्या है? गलत। तो आंसर सही हो जाएगा इसका कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। एग्नेथा में जल नहीं पाया जाता, क्या बोला? एग्नेथा में क्या नहीं पाया था? जल नहीं पाया था, जालेस होते हैं या कहते लैग जा, ठीक। और इसका क्लास बता दो, क्लास होता है आपने पढ़ा होगा साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा क्लास पढ़ा है? साइक्लोस्टोमेटा। ग्रेथा इनमें जा पाए जाते हैं, इनमें जा पाए जाते हैं भाई, बियर जा। और सुपर क्लास दो है, एक का नाम है पाइसेस और दूसरे का नाम है टेट्रापोडा। क्या नाम है? टेट्रापोडा, ठीक। और मैच करवाते हैं, एक नेथा बियर जा हटाओ, बियर जा इसको बैठाओ, लेग जा बी साइक्लोस्टोमेटा, सी बियर जा, डी पाइसेस। बिल्कुल सही, आंसर कौन सा आएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पूछा गया है, कहते हैं कि ऑल लिविंग मेंबर्स आर इक्टो इंडो पैरासाइट। ये इंडो पैरासाइट नहीं होते, कैसे होते हैं? ये होते हैं इक्टो पैरासाइट। कैसे होते हैं? इक्टो पैरासाइट। तो ये वाली बात जो पहला स्टेटमेंट है गलत लिखा है। दे हैव 6 to 15 गिल स्लिट, 6 से 15 नहीं बल्कि 6 से 15 पेयर होना चाहिए। ये वाली बात भी क्या होगी? गलत। दे हैव सकिंग एंड ओवल माउथ नहीं होगा, क्या होगा? सर्कुलर माउथ पाया जाता है। ये वाली बात भी गलत है। देयर बॉडी इज हैव स्केल, ना स्केल नहीं पाए जाते भैया, डिवाइड ऑफ स्केल हम कहेंगे। ये वाली बात भी क्या हो गई? गलत। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, कार्डिटा में तो क्लोज टाइप होता है। चलो सही लिखा। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू रिवर, ना गलत लिखा है। पूछो क्यों? तो ये मैरिन हैबिटेट में रहते हैं, ये एग देने अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और अंडा देने के बाद मेटामॉर्फोसिस लार्वा बना और लार्वा फिर से कहां? समुद्र में वापस आ जाएगा, ठीक। तो कहते हैं रिटर्न टू रिवर, ना रिवर तो अंडा देने के लिए गए थे। तो ये वाली बात भी क्या है? गलत। सिर्फ पांचवी बात सही है, आंसर कौन सा आएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्लास कॉन्डिक्टाइज के लिए कौन सी बात इसमें से सही लिखी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। 156 दे आर मैराइन एनिमल, चलो बढ़िया लिखा है, सही लिखा है। अगली बात पढ़ते हैं, मैराइन के बाद विद स्ट्रीम
स्लिमलाइन बॉडी एंड हैव कैल्केनियस इंडोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का इंडोस्केलेटन नहीं होता, कैसा होता है? कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, कैसा होता है? कार्टिलेजिनस, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत, पहला सही था। माउथ इज लोकेटेड टर्मिनल नहीं होता माउथ, कैसा होता है? वेंट्रल पोजीशन पर, ये बात गलत लिखी। नोटोपॉड इज परसिस्टेंट ओनली इन लार्वल लाइफ, सिर्फ लार्वा में नोटोपॉड पाई जाती है, वाली बात गलत है। क्यों? जीवन भर थ्रू आउट लाइफ इनमें नोटोपॉड पाई जाती है, थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है पूरे जीवन। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एंड विद ओपरकुलम, ढक्कन नहीं पाए जाते, विदाउट ओपरकुलम होते हैं, ठीक, ये वाली बात भी क्या है। मैनी ऑफ देम आर ओविपेरस, अंडा देने वाले ना, ये क्या कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, ये वाली बात भी क्या लिखी है, गलत लिखी है। तो सिर्फ पहली बात सही लिखिए, आंसर कौन सा आएगा? पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। सवाल ये है कि फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट, वेयर इज द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक, पहली बात बिल्कुल सही लिखी। दूसरा, कैलिक्स एंड फ्लोरल एक्सेसरी आर एसेंशियल वन ना, इनको एसेंशियल वन हम लोग नहीं कहते, एंडोसियम और गायनोसियम को कहते हैं। यह स्टेटमेंट गलत लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये वाला सही हो जाएगा। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। 158 सवाल है, इन एपिगाइनस फ्लावर द गायनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, अरे अगर फ्लावर एपिगाइनस है तो थैलमस के जो मार्जिन किनारे हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और ओवरी को घेर लेते, बाकी अपेंडेजेस, ये ओवरी हो गई और बाकी अपेंडेजेस क्या होते हैं? ऊपर हो जाते हैं, ये कंडीशन होती है एपिगाइनस, तो ओवरी इनफीरियर हो जाती है, ये वाली बात क्या लिखी है? गलत। द कैलिक्स में भी गैमोसेपल्स, सेपल बहुत सारे हैं और आपस में जुड़े हैं, गैमोसेपल्स बहुत सारे हैं, फ्री हैं पॉलीसेपल्स, ये पहला स्टेटमेंट गलत लिखा है, दूसरा सही लिखा है, आंसर 158 का सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 सवाल है कि द रीजन द सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, आप जानते हो जो इलोंगेशन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल डिवाइड करती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल इलोंगेट भी करती है और एनलार्जमेंट भी होता है, मैक्सिमम ग्रोथ रीजन ऑफ इलोंगेशन में ही तो होती है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 पर, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट, भैया ये एम्ब्रियो है, ये क्या है? एम्ब्रियो, टिप को प्लेम्यूल कहते हैं, ये रेडिकल और ये पत्तियां कॉटिलेडन, रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से रूट निकलती है प्राइमरी रूट, फर्दर ब्रांचिंग हो गई सेकेंडरी रूट, और ब्रांचिंग हो गई टर्शियरी रूट, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं क्या? टैप रूट सिस्टम, क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। 160 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आओ पढ़ते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट लिखा है, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, लीफ बेस पेटियोल एंड लमिना, बिल्कुल ठीक बात, एक पत्ती के तीन पार्ट, ये लीफ लमिना हो गया, ये पेटियोल और जहां जुड़ा उसको लीफ बेस, दूसरी लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय लीफ बेस, बिल्कुल ठीक बात लिखी, लमिना ये लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जिस पर वेन और वेनलेट पाए जाते हैं, इन सब लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम सोइलेंट व्हिच इज कॉल्ड स्टिप्यूल, स्टिप्यूल नहीं कहते इसको हम लोग, क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पल्विनस, आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 पर, इन रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द फ्लावर बॉल लेटरली इन अ एक्रोपिटल सक्सेसन, कैसा होगा? एक्रोपिटल हो जाएगा, क्या होता है यहां पर? मेन एक्सिस लगातार ग्रोथ करती रहती है, एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन एक्रोपिटल मैनर, जैसे मान लो ये फ्लावर निकला 10 फरवरी को, ठीक, ये निकला 11 को, 12 को, 13 को और 14 फरवरी को, तो यहाँ देखो यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पर है? एपेक्स पर है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसा है? एक्रोपिटल, इन साइमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन बेसिपेटल मैनर,
मान लो ये 10 फरवरी को निकला, ये 11 को, 12 को, 13 फरवरी और ये 14 फरवरी। यहाँ पर यंगेस्ट तो 14 फरवरी है मान लो, तो 14 फरवरी जो यंगेस्ट फ्लावर है वो कहाँ पर है? बेस की तरफ है, बेसिक पेटल अरेंजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रोपेटल और यहाँ पर हो जाएगा क्या? बेसिक पेटल। आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 पर। ये मैचिंग का सवाल है, आप आसानी से कर लिए होंगे 163 वाला। यहाँ पर वॉलवेट एस्टिमेशन का एग्जांपल बताओ क्या होगा। वॉलवेट का एग्जांपल क्या होता है भैया? कैलोट्रॉपिस होता है। वॉलवेट का एग्जांपल क्या होगा? कैलोट्रॉपिस। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो गया? थर्ड। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन बताओ कहाँ होगा। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन आप जानते हो केसिया और गुलमोहर का नाम सुना होगा, केसिया और गुलमोहर, तो बी में सेकंड। तो स्टेट के एग्जांपल बता दो भैया, लेडी फिंगर, चैनल रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। तो लेडी फिंगर भी दिया है और चैनल रोज भी दिया है, वन और फोर्थ हो जाएगा। पेपिलियोनेसियस बताने ही नहीं कहां पर होगा, मटर में पाया जाएगा, डी में फाइव हो जाएगा। ए में 3, बी में 2, सी में 1, 4, डी में 5। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 163 के बाद 164 पर चलते हैं। सेप्टा, ये अच्छा सवाल है, सेप्टा आर अब्सेंट। तो हमने ये पढ़ा है कि जो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है वहां पर कोई सेप्टा नहीं पाए जाते, और फ्री सेंट्रल का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो डायंथस और प्राइमरोज इसका एग्जांपल होगा। तो ए में कौन सा हो गया? सेकंड। फाल्स सेप्टम पैराटल प्रेजेंटेशन, सो ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फाल्स सेप्टम नोन एज रेप्लम। तो सी में कौन सा हो जाएगा? मस्टर्ड और आर्जिमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन इसका एग्जांपल हो जाएंगे। तो मस्टर्ड और आर्जिमोन। बी में कौन सा हो गया? फोर। मल्टीलॉकुलर ओवरी, मल्टीलॉकुलर ओवरी एक्साइल प्रेजेंटेशन, चैगरोस, टोमेटो और लेमन। देखो क्या दिया है, टोमेटो तो दिया ही है, चलो सी हो गया, थर्ड वाला हो गया। सिंगल ओव्यूल बेसल प्रेजेंटेशन, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। 2 4 3 1 2 4 3 1 सही आंसर 164 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 पर। सवाल ये है, वह सवाल ये कह रहा है कि ओरिज वन चैम्बर बट बिकम टू चैम्बर, पैटर्न प्रेजेंटेशन मस्टर्ड और आर्जिमोन, अभी भी बताया था। आंसर कौन सा आएगा? सेकंड हो जाएगा। 166 सवाल मैचिंग का है और अच्छा है, आपने आसानी से मैच करवा लिया होगा, कोई दिक्कत बहुत नहीं आई होगी। और देखते हैं बेसल प्रेजेंटेशन कहां पर पाया जाएगा। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का नाम कौन भूल गया होगा? सनफ्लावर मैरीगोल्ड का नाम सबको याद होगा। तो बेसल एग्जांपल सनफ्लावर मैरीगोल्ड। ए में कौन सा हो गया? टू हो गया। अब देखो मार्जिनल कंडीशन कहां पर आती है? मटर में पाई जाती है, पी। बी में फाइव हो गया, सोचना ही नहीं। फ्री सेंट्रल डायंथस और प्राइमरोज में, सी में वन हो गया। एक्जाइल चैंगरोज, टोमेटो और लेमन, डी में कौन सा हो गया? थर्ड। अब पैराटल बचा, खुदे कर लोगे, मस्टर्ड और आर्जिमोन, ई में फोर। 2 5 1 3 4 आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 166 के बाद 167 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के लिए कौन सी बात सही नहीं लिखी? इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, इंजेशन इनका कोई रोल नहीं होता है, ये बात क्या लिखी है? इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट पूछा था, आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। ठीक, दे लाइक फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक बात लिखी है। गैस मॉलिक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं। व्हिच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोसेंसिटाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये काम साफ होता है किसका? गॉल्जी बॉडी का। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 169 पूछा गया, कौन से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? कौन है ये याद होना चाहिए? वैक्यूल, क्या बोला? पहला बोला हमने वैक्यूल, गॉल्जी बॉडी, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। क्या क्या नाम बताया? एक तो हमने आपको बताया वैक्यूल, दूसरा बताया गॉल्जी बॉडी, तीसरा बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा कौन सा? लाइसोसोम। इसके अलावा कोई नहीं। क्या माइटोकांड्रिया है? नहीं है। क्लोरोप्लास्ट है? नहीं है। पेरोक्सिसोम है? नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा था? तो माइटोकांड्रिया ए,
सी और ई, देखो कहां लिखा ए सी और ई, आंसर हो गया फोर। क्वेश्चन नंबर 170 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकांड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकांड्रिया के लिए इनमें कौन सी बात सही नहीं लिखी है। माइटोकांड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी फोल्डिंग, क्या बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकांड्रिया अच्छा अंदर पानी भरा होता है, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। राइबोसोम भी पाए जाते हैं, कैसे होते हैं 70S टाइप के। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परिवर्तित होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के लिए वाली बात भी सही है। डिवीजन फिजन के द्वारा होता है। एंजाइम ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ईटीएस के एंजाइम आउटर नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ये वाली बात क्या लिखी है गलत लिखी है, आंसर हो गया फोर्थ वाला, बाकी तीनों बातें सही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 171 पर चलते हैं। Which of the following cellular part is correctly described? पहले बात है कि thylakoid flattened membranous sacs forming the grana of chloroplast, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक। अब दूसरी बात, अंदर पानी भरा है, क्या बोलते हैं स्ट्रोमा, और ऐसे क्वाइन लाइक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को thylakoid कहते हैं, और स्टाक को क्या बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं। सेंट्रियोसाइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस गलत लिखा है, पहली बात सही दूसरी गलत। तीसरी राइबोसोम दो जन क्लोरोप्लास्ट आर एटीएस, यहाँ पर एटीएस नहीं बल्कि कैसे राइबोसोम होते हैं 70S टाइप की, ये वाली बात भी गलत लिखी है। एल्गी हैव सिल्वर मेडअप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की नहीं होती, सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स तो सही था, हेमी सेलुलोज गलत, इसलिए ऑप्शन भी गलत, आंसर हो गया कौन सा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 172 पूछा गया है कि कौन सी बात इसमें से सही है। लिसाइकिन एक फास्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। पामेटिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन कंपाउंड, पामेटिक एसिड में कहां से 18 कार्बन हो गए, ठीक। आगे लोअर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हायर मेल्टिंग पॉइंट लिखा है गलत लिखा है। पामेटिक एसिड अनसैचुरेटेड लिखा है। लिपिड आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल गलत, ये मैक्रोमॉलिक्यूल स्ट्रिक्टली नहीं होते, मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होता है कम, बस फिल्ट्रेट नहीं आए थे तो इनको मैक्रोमॉलिक्यूल में रख दिया गया था, ये बात दूसरी है। तो पहला सही है, बाकी सारे गलत है, आंसर कौन सा जाएगा पहला वाला। 173 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते, और देखते हैं तो रबर और गम सेकेंडरी है, मॉर्फिन कोडीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, विनप्लास्टिन सर्क्यूमिन सेकेंडरी है, एमिनो एसिड और ग्लूकोज ये मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 174 पर चलते हैं। A protein is imagined as a line. The left end represented by first amino acid and the right end represented by last amino acid. ठीक, ये वाली बात तो गलत लिखी है, क्योंकि लेफ्ट जो पहला एमिनो एसिड है उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं और दूसरे लास्ट वाले को सी टर्मिनल कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है गलत लिखा है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये सही लिखा है, आंसर सही हो जाएगा सेकंड, सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है और पहला वाला क्या लिखा है गलत। क्वेश्चन नंबर 175, लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, लिपिड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाली बात क्या भैया गलत है, क्यों वाटर सॉल्युबल नहीं होते बल्कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोसेस 1 or more कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होना चाहिए। जिंजरियन है और लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हेंस रिमेंस एज आयरन इन विंटर, सही लिखा। एरिकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, सही लिखा है। व्हेन फैटी एसिड इज डिवाइडेड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म, ये वाली बात भी सही लिखी है। क्या पूछा था कौन सी बात इसमें से सही लिखी है, तो सही है कौन सा सी डी और ई, आंसर मेरे हिसाब से इसका हो जाना चाहिए थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 पर सवाल है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परली इनएक्टिव स्टेट वेयर हाई टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट, बिल्कुल सही लिखा है। देखो अगर कम टेम्परेचर है तो प्रिजर्व कर लेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया ज्यादा बहुत तो नष्ट हो जाएगा। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्ड, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्ड द सब्सटेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों बातें सही है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया इसका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 पर चलते हैं। 177 में पूछा गया है कि कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत लिखी है। सवाल यह है कि कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्टैटिक। टाइटली नहीं, इनकी जो जुड़ाव होता है वो ट्रांजिएंट होता है। पहला स्टेटमेंट गलत लिखा है। प्रोस्टैटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। पहला गलत लिखा है और दूसरा सही लिखा है। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। आंसर हो गया कौन सा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन हिज सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट जी1 फेज इज 8। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज? देखो एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जी1 में 8 है तो एस में भी कितने होंगे? 8। 178 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 को देखते हैं। यहाँ पर सेल साइकिल का सही सीक्वेंस आपको बताना था, तो यह आपने देखा होगा एम फेज जी1 एस जी2 जी1 एस जी2। सही सीक्वेंस देखो भैया क्या लिखा? जी1 एस जी2 जी1 एस जी2 एम। सही आंसर 179 का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 पर चलते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, भैया स्पिंडल फाइबर किससे जुड़े होते हैं? काइनेटो कोर से जुड़े होते हैं। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 181 पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ये होता है अकर विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। सब स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस को पांच भाग में, प्रोफेज को पांच भाग में डिवाइड किया गया है। बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोमल बिहेवियर पांच भाग में डिवाइड किया गया है सब स्टेज में, ठीक। लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक। प्रोफेज फर्स्ट को पांच सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पे लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैचिटीन होता है, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। जो पैचिटीन होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उसमें देखने को मिलता है, तो यही पूछा गया है। तो पैचिटीन कहां यहां पे आंसर है? फोर्थ ऑप्शन है यहां पे, फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम बढ़ते हैं 182 की तरफ। 182 मैचिंग क्वेश्चन है। भाई था मियोसिस पहले कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। पैचिटीन में अभी हमने बताया क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, तो एक आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक थर्ड हो जाएगा, लिख लेते हैं इसे, ठीक। मेटाफेज फर्स्ट क्रोमोसोमल एलियन इक्विटोरियल प्लेट, बी का फोर्थ हो गया आपका यहाँ पे। डायकाइनेसिस होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ पीएच मेटा, और सी का सेकंड हो गया, और डी का आपका यहाँ पे फर्स्ट हो गया, क्योंकि जाइगोट में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है। डी का फर्स्ट हो गया, कौन सा?
तीन चार दो एक, तीन चार, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 183। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमियर। ये आपका पीवाईक्यू है, नीट में पूछा गया है, जल्दी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका ये जो होता है सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेपरेट भी अलग होते हैं, ए ना फेल फर्स्ट में होते हैं, तो आपके यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 184। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडी इज एनिमल प्लांट कंपोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सही आपका है, इनकरेक्ट हमें चूज करना है। माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 1.3 माइक्रोमीटर लेंथ, ये भी आपका सही है। मीजोसोम कैरेक्टर, मीजोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये आपका गलत है। मीजोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, ये आपका थर्ड वाला इनकरेक्ट है। प्लाज्मिड डीएनए यूनिट मेंटियोर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग डीएनए, तो आपका इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट आपका यहाँ पे थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, 185। में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है यहाँ पे। तो क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स, सही है। क्रोमैटिन कंटेंट डीएनए सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, ये भी आपका सही है। फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही आपका है, और थर्ड को देखते हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी सिलिया एंड प्लाज्मा, सेंट्रियोल जो होता है आपका एनिमल सेल्स में पाया जाता है, सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, जो जिसका काम होता है कि डिवीजन में। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, द सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी सिलिया एंड प्लाज्मा स्पिंडल फाइबर्स आल्सो गिव राइज स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखिए आगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान होता है, इन प्लांट्स प्लांट सेल्स में नहीं होता, एनिमल सेल्स में, यही आपकी गलती है, ये आपका एनिमल सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया, करेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 186 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, सही है, होमोपॉलीमर होता है। रिबोसोम इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल ऑफ द बायोस्फीयर, ये भी आपका करेक्ट है। इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये भी आपका सही है। तो ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 187। Which of the following are true of polysaccharides? Polysaccharides के बारे में कौन सा कितने ऑप्शन ट्रू है, 187। देखते पढ़ते हैं, polysaccharides से right in is called reducing in and left called non reducing, सही आपका। राइट जो होती है, राइट जो होती है, राइट हो गई या लेफ्ट हो गई, राइट आप राइट आर्फ रिड्यूसिंग, इधर रिड्यूसिंग एजेंट पाया जाता है, इधर नॉन रिड्यूसिंग पाया जाता है। ठीक, राइट इन ग्लाइकोजन, राइट इन ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट इन रिड्यूसिंग, गलत है। राइट जो होता है रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट नॉन रिड्यूसिंग होता है। स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी आपका सही है। स्टार्च के
होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल है क्या, प्रोटीन गिल्स से ग्लूकोज भी आपका सही है। सेलुलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर बट कैन नॉट होल्ड आयोडीन सो नॉन स्टेन आयोडीन भी इनकरेक्ट है आपका। ग्लूकोसामिन या स्टील ग्लूकोसामिन केमिकली मॉडिफाइड एमिनो एसिड शुगर एमिनो शुगर ये भी आपका इनकरेक्ट है 187 का तो ट्रू पूछा गया फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 188 मैचिंग क्वेश्चन है बाई मॉलिक्यूल का है कैरेक्टर ऑफ द कॉलम फाइव कॉलम सेकंड को प्रोटीन दिया है। कोलाइजन तो कोलाइजन जो होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस होता है एक आपका फोर्थ हो गया। ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम होता है बी का फाइव हो गया। इंसुलिन हार्मोन दिया है हार्मोन हो गया। एंटीबॉडी फाइट इंफेक्शियस एजेंट है। रिसेप्टर जो है आपके सेंसरी ए है। ग्लूट फोर जो होता है एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ग्लूट फोर जो है एक बार पीवाईक्यू में पूछ लिया गया सिर्फ ग्लूट फोर का काम क्या होता है तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना इन सेल में। देखते हैं एक का थर्ड ये दोनों से सही होगा। आगे देख लेते हैं एक का फोर्थ है तो सेकंड ऑप्शन है आपके 181 का आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं दो ही ऑप्शन मैच करने से आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 189 देखते हैं व्हाट विल बी डीएनए कंटेंट सेल जी1 आफ्टर यस एंड जी2 रिस्पेक्टिवली। डीएनए कंटेंट यम पेज इन टू सी सेल नॉट रूट टिप्स तो इसमें जो होता है आपका 189 में सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। 189 में तो पहले पूछा जीवन पेज में तो 2C ही रहेगा। जीवन पेज में 189 का 189 में 2C ही रहेगा फिर जाके यस पेज में 4C हो जाएगा क्योंकि डबल हो जाएगा। फिर G2 पेज में भी 4C हो जाएगा इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 190 ये भी आपका बायोलॉजिकल का क्वेश्चन है। ड्रग बीन कुकुर बीन ब्लास्टिन एंड कुकुरमिन कहीं दिया है। ड्रग का बीन ब्लास्टिन कुकुरमिन एक का फोर्थ दिया है। पॉलीमेरिक सबस्टेंस ठीक लेस्टिन एल्का अल्केमोकोड एल्कोलाइड्स मॉर्फिन एंड कोडीन डी का टू दिया है। पिगमेंट दिया है ठीक तो आपका ए का फोर्थ हो गया। 190 का देखते हैं 190 ए का फोर्थ हो गया और पॉलीमेरिक सेबेस्टियन जो रबर गम सेलुलोज बी का फाइव हो गया ठीक ए का फोर्थ एंड बी का फाइव हो गया और सी का आपका थर्ड हो ही गया है। सी का थर्ड हो गया डी का टू हो गया और ई का फर्स्ट हो गया ठीक। एंथोसिन है कैरोटीनॉइड्स तो 4, 5 सी का थर्ड हो गया आपका और डी का आपका यहाँ पे 2 हो गया और ई का फर्स्ट हो गया। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ में से दोनों एक होगा 5, 3 डी का 2 या फिर डी का कहा डी का 2 फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 191 एमिनो एसिड अंडर क्राइटेरिया कंडीशन वुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मतलब साथ साथ इन द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम द एमिनो एसिड इज कॉल्ड द ज्यूटर आयन में जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल साथ साथ रहते हैं तो आपका फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ज्यूटर आयन में एक कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं 192 की तरफ बढ़ते हैं
इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स वाल फॉर्मेशन ना सेंटर, प्लांट सेल्स में जो होता है ये प्लांट सेल में सेंटर से वाल फॉर्मेशन होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक। तो इसी में ही मिडिल लैमेला बनता है, जो कि मिडिल लैमेला बीच में बनता है, मिडिल लैमेला जो होता है, मिडिल लैमेला जो होता है प्लांट सेल में, मिडिल लैमेला जो कैल्शियम पैक्टेट के बनता है। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो देखते हैं, मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, बाहर की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगनिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड एडजेसेंट सेल्स, रिसेप्टर मिडिल लैमेला बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, तो सेल प्लेट, इसको सेल प्लेट बोला जाता है। सेल प्रो भी नहीं होगा, सेल फॉर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, कैप्सूल नहीं, सेल प्लेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 193 इन ऊसाइट्स, इन ऊसाइट्स सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में जो ऊसाइट्स होती है सम वर्टिब्रेट्स में कितने दिन तक होती है, मंथ या ईयर तक होती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिप्लोटिन के लाइन से क्वेश्चन बना है 193 का, पेज नंबर पे आपका, पेज नंबर आपके 126 पे दिया, पेज नंबर 126 न्यू एनसीईआरटी में दिया। सब स्टेट्स को पांच भागों में बांटा गया, लेप्रोटीन, जाइलोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन में जो होती है ऊसाइट्स सम वर्टिब्रेट्स में लास्ट मंथ या ईयर तक रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 194 तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है रिगार्डिंग, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग सेल साइकिल, सेल साइकिल के रिगार्डिंग में कितने क्वेश्चन सही होंगे, 194 का देखते हैं, पढ़ते हैं। सेल ग्रोथ इंटर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, सही है। दूसरा पढ़ते हैं, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, भी सही है आपका। थर्ड को पढ़ते हैं, द रिप्लिकेशन क्रोमोसोम डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर न्यूक्लियाई, भी सही है आपका। ह्यूमन सेल डिवाइडेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स, तो गलत है, बैक्टीरिया का आपका होता है, ह्यूमन सेल जो होता है 24 मिनट में डिवाइड करती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन बी वेरी फ्रॉम डिश ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, आल्सो फ्रॉम टाइप ऑफ सेल टाइप, ये भी आपका सही है। सेल साइकिल इन ईस्ट, ईस्ट में जो होता है 24 और नहीं 90 मिनट होता है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो आपका ट्रू पूछा गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 195 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रू विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्रोफेज के बारे में, कितने स्टेटमेंट आप ये सही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, आपने तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में नाम सुना ही होगा, प्रोफेज के बारे में कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल, प्रोफेज फर्स्ट में या प्रोफेज में मान लीजिए इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल शुरू हो जाता है, तो आपका सही है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स, सही है। एस्टर्स में तारा होता है, तारा होता है, तो ईच सेंट्रोसोम रेडिएट होते हैं आउट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स, ये भी सही है। क्रोमोसोम्स आर सीन कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच टूगेदर सेंट्रोमिया, ये भी आपका एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है, भी सही है। द टू एस्टर्स, दो एस्टर्स टूगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस, ये भी आपका करेक्ट है। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले भी मिला होगा किसी क्वेश्चन में, तो वहां पर सेल्स ऑफ द एंड ऑफ, वहां पर टेलोफेज लिखा था, ये करेक्ट कहा गया है, ये सही है। सेल्स ऑफ द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गॉल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी आपका सही है।
स्पिंडल फाइबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रोफेज में नहीं होता है क्या? ये आपका मेटाफेज में होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका मेटाफेजी कंडीशन है, मेटाफेज में होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्या पूछा गया? ट्रू पूछा गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, पांच लिखे सिक्स सभी सही है, बस सिक्स को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 196 में क्या है? विच आर द फॉलोइंग टू बार क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के कौन सा सही होगा, क्रॉसिंग ओवर में कौन सा सही होगा? 196 क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमेटिड्स, सही है। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है दो क्रोमेटिड्स के बीच में, तो ये भी आपका सही है, जो कि ये आपका पैची टीम में देखा जाता है क्रॉसिंग ओवर। पैची टीम मतलब क्रॉसिंग ओवर दे दिया तो मान लीजिए आप पैची टीम की बात कर रहे हैं, पचाई टीम, पैची टीम जो भी है, बात पैची टीम की बात कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर आल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, द एंजाइम इन्वॉल्व द रिकॉम्बिनेज एंजाइम, पैची टीम जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के द्वारा होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो ये भी आपका सही है। थर्ड को पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड्स रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल टू क्रोमोसोम्स, ये भी आपका करेक्ट है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ द डिप्लोइड, ये भी आपका सही है। क्रॉसिंग ओवर स्टार्टेड इन पैचिटी, ये आपका गलत है। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट पैचिटी से नहीं होती है, जायगोटिन से ही स्टार्ट हो जाती है, तो आपका इनकरेक्ट है, आपका इनकरेक्ट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनलाइजेशन ऑफ गैस मैटर, ये भी गलत है, ये आपका डायकाइनेसिस में होता है, डायकाइनेसिस में होता है। तो क्या पूछा गया? प्रूफ पूछा गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मतलब थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 197 की तरफ, क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन कंसेप्चुअल है, आप लोग एनसीईआरटी जिसको क्लियर होगा वही सही कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? प्रोफेज फर्स्ट हैज बीन फर्दर सब डिवाइड फेज बेइंग ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर, यही सही है। अभी हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बताया है, प्रोफेज फर्स्ट को सब डिवाइड किया गया है पांच भागों में, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डायगाइनेसिस। मियोसिस इज इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी द पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन, ये भी सही है आपका, सही। सेल्स ऑफ द एंड ऑफ टेलोफेज व्हेन द वीव अंडर द माइक्रोस्कोप नॉट द गॉल्जी वर्ड, यही आपका इनकरेक्ट है। अभी हमने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया है, यही स्टेटमेंट आया था। इनकरेक्ट हो गया, बहुत बच्चे इसमें अच्छे खाएंगे, बहुत बच्चे सब नना दिल लगा के आएंगे इसे। सेल्स ऑफ द एंड ऑफ टेलोफेज नहीं प्रोफेज, व्हेन द वीव अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियर एनवलप, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 198 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट पूछा गया है। एमंग यूकेरियोट्स रिप्लिकेशन डीएनए फेज इन यस फेज, सही है। ड्यूरिंग जी नॉट फेज सेल साइकिल सेल इज द मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यही आपका यहीं पर इनकरेक्ट हो गया है, इनएक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन इन ड्यूरिंग स्पेज, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट पूछा गया, सेकंड ऑप्शन यहां पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 99 Which of the following
विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? कैमलियन, कैमलियन ट्री लिजार्ड होता है, ये आपका रेप्टाइलिया का एग्जांपल है, रेप्टाइलिया में सभी कैमलियन ट्री लिजार्ड होता सही है। बेंजोर कैराइट होता है, ये भी सही है। नॉन पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक पाइथन है, सही, पाइथन भी सजगर, ये भी आपका सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं 200 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम है, आपका पी वाई की क्वेश्चन है। जो रूट होती है ओरिजिनेट होती है बेस ऑफ स्टेम, उसे क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रोब्स रूट, लेटरल रूट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पहले पेज में लिखा गया है द रूट ऑफ द ओरिजिनेट फ्रॉम द सीन एट द बेस स्टेम कॉल्ड, नेक्स्ट पेज पे फाइब्रस रूट। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।